अ डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, मैंने इस पर लिखा था, और सेकंड टॉपिक था द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. इससे पहले आपने पी दिया है, ओके, जिस तरह के सवाल आए उस तरह का आपने पूछा है, थोड़ा सा बताएंगे हमें कि क्या क्या टॉपिक्स आए थे एग्जाम में? वो तो जनरल एक फिलोसॉफिकल ऐसे थे, सेकंड वाले में, पहले वाले में जनरल थे, नॉर्मल था, मतलब मैं काफी. ये बताएंगे एग्जाम जो था इजी था या टफ था? इजी टफ तो नहीं, बट इट्स ऑल अप टू कि आप कैसे अपने इंटरप्रेट, आपने जो इंटरप्रेट किया है वो चेकर को कितना अच्छे से कन्वे हो रहा है. और ऐसे ऐसे ही काफी सब्जेक्टिव पेपर है, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वड इन इट. तो द थिंग इज कि इट्स अप टू द चेकर, इट्स नाउ इनटू द बॉल गेम ऑफ चेकर. मैंने अपना काम कर दिया, मैंने लिख दिया जो मुझे बेस्ट लगा, बट द थिंग इज कि अगर वो उससे कितना समझ पा रहा है आपका चेकर. सो आई फील कि आई हैव डन माय जॉब प्रीटी गुड इनफ, बट नाउ लेट्स सी इट्स ऑल. एग्ज़ाम के लिए जो मेंस का आज एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का, सो एक एक करके हमने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया है स्टूडेंट से, जितने स्टूडेंट से हम कर पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक एक करके सब बता रहे हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम था, क्या क्या टॉपिक्स थे, किस किस पर उन्होंने टॉपिक पर लिखा है, कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए, कहाँ कहाँ से उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, कितने घंटे वो पढ़ रहे हैं. सो अभी हम और कोशिश कर, कैसा एग्ज़ाम हुआ है आपका? ठीक हुआ है. थोड़ा सा बताएंगे कौन सा टाइम? मेरा अटेंड तो पांचवा था. अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यही रहता हूँ, मैनपुरी का रहने वाला हूँ. ठीक है, ठीक है. आप दिल्ली में, अभी दिल्ली में ही रहते हैं? ठीक है. किस तरह के टॉपिक्स आए थे आप? मिक्स टाइप थे, कुछ फिलोसफिकल भी थे और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे. आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट किया था, और एक ऐसे जो पहले वाला था. जैसे कि आपने बताया आज आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है, राइट? तो पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि लाइक किस आपको लगता है कि क्या चीज़ थी जो रह गई थी? इंटरव्यू में नंबर थोड़े कम रह जाते हैं, और किसी एक सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम रह जाते हैं. पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एक सब्जेक्ट में किसी में भी कम हो सकते हैं, चारों जीएस में किसी में भी कम हो सकते हैं. इस वजह से हर बार मेरा रह जाता है 5-10 नंबर, किसी में बहुत कम नंबर रह जाते हैं. जैसे लास्ट टाइम मेरे सेकंड पेपर में केवल 80 नंबर थे, तो वो कोई मतलब नहीं था. इस तरीके से हो जाता है. मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी. इंटरव्यू में ऐसा कोई इशू नहीं होता, 180 के आसपास एवरेज रहता ही है. और अगर थोड़ा बेटर कर लेते हैं तो पहुँच सकते हैं. क्वेश्चंस तो रेलिवेंट ही आते हैं, अधिकतर तो आपके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके पास डेप्थ तो पूरा होता ही है. जैसे आपने कहा इंटरव्यू में आपका कुछ रह जाता है, तो उस बेस पे आपको क्या लगता है कि क्या है कि 170 के आसपास मेरा आता है, बट शायद मैं 190 भी ला सकता हूँ. बट वो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रेशर हैंडलिंग या सारी चीज़ें, यही थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे लाइक किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू. क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं. आपका मतलब ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. और बाकी मेरा अपना मानना है कि इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ से आपने जैसे शुरू किया है. जो आप बोलते जाते हैं वहीं से नए क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, कोई याद करके तो कुछ बैठा नहीं होता है. तो ये कहानी सबसे मेन चीज़ वही होता है, आपका बैकग्राउंड, वहाँ से क्वेश्चन निकलना स्टार्ट होते हैं और फिर वो फिर आगे कंटिन्यू होते हैं. टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपने जैसे 5 अभी तक नहीं किया. जैसे आपका बैकग्राउंड है तो कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग से कुछ नया बना रहेगा, कुछ भी ऐसा कुछ. जैसे मुझे एक बार पूछा था कि आपको क्या लगता है सिविल इंजीनियरिंग मार्वल जो है वो क्या हो सकता, आप किसको मानते हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल क्या है इंडिया में? तो मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने आंसर दिया था एक्सप्रेस वे जो है उन्हें मैं मानता हूँ कि इंजीनियरिंग मार्वल है. वहाँ से फिर आगे निकलता चला गया कि नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उसमें कौन सी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल हो रही है, जैसे प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल होता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है. वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपका जो शुरुआत होती है उसी से क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं. आपका ऑप्शनल क्या? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. आ जाइए हूँ डायरेक्टली स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने, एक एक करके हम सबसे बात करते हैं. आइए. हाय सर, एग्जाम फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आए थे और पेपर लेंदी था थोड़ा, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था इनिशियली. किस तरह के टॉपिक्स आए थे? एकाध टॉपिक्स हर एक सेक्शन में थे जो कि किए जा सकते थे. बाकी पेपर से अब वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसा मार्क्स आएगा. आपने कौन कौन से टॉपिक्स किए? मैंने, ये आपका क्वेश्चन पेपर है राइट? अ डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, मैंने इस पर लिखा था, और सेकंड टॉपिक था द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. ओके, आप बताइए कौन सा पेपर?
फोर्थ अटेम्प्ट है। जैसे अभी फोर्थ अटेम्प्ट देने आए हैं, उससे पहले जो आपने एग्ज़ाम किए हैं उसमें क्या ऐसा रह गया था लाइक थोड़ा? मेरा तीसरा मेंस है, और फिर पहले मेंस में तो मेरा कम्प्लीशन इशू था, मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूटे थे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट किए थे, लेकिन कंटेंट क्वालिटी आई गेस उसको इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट था। इस बार वो सब करके इम्प्लीमेंट किया है, होपफुली अच्छा। बेस्ट ऑफ लक, आई होप अच्छा हो आपका एग्जाम रिजल्ट अच्छा है। एंड थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताएंगे? इंटरव्यू अच्छा था, इंटरव्यू किया इंटरव्यू अभी तो आपने एग्ज़ाम दिया है ना उसके? मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने मेंस दिया था, दो मेंस पहले दिए थे। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। बताएंगे आप मतलब कौन सा अटेम्प्ट? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस। ओके, इससे पहले आपने प्री दिया है? ओके, क्या जिस तरह के सवाल आए हैं उस तरह का आपने अटेम्प्ट किया है? तो थोड़ा सा बताएंगे हमें कि क्या क्या टॉपिक्स आए थे एग्जाम में? वो तो जनरल एक फिलोसफिकल ऐसे थे सेकंड वाले में, पहले वाले में जनरल थे, नॉर्मल था, मतलब मैं काफ़ी इजी थे, मतलब डूएबल थे। 10-15 मिनट मेरे पहले ही हो गया था, वर्ड लिमिट का थोड़ा ध्यान रखा मैंने, ऊपर जा रही थी। तो बाकी किस किस टॉपिक मैंने, एक तो वो था कि जो मतलब मैं चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछता है वही रियल साइंटिस्ट होता है, तो मैंने इंग्लिश में लिखा था इस पर ऐसे, वो डाउट करता है वही रियल साइंटिस्ट होता है, तो उसको लेके मैंने उसका साइंस का पहले व्यू बढ़ाया कि साइंस का मतलब सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं है, रैशनैलिटी से मतलब होता है, तो हर चीज़ में क्वेश्चन करना, सोशल साइंस में, गवर्नेंस में, जगह जगह उस चीज़ को मैंने ऐड करा, तो ऐसे अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाया, ऐसे साइंस तक ही लिमिटेड नहीं रखा, और ऑन स्पॉट पोएम बना के मैंने स्टार्ट करा दोनों ऐसे उसको, ताकि मैं थोड़ा कैची बना सकूँ, और कोर्ट्स इतने याद नहीं थे तो खुद ने बनाए, और नाम किसी का नहीं डाला कोर्ट्स में, यही मतलब मैंने तैयारी भी अच्छी नहीं है, मैंने थोड़ी यूट्यूब से ही पढ़ा पूरा, मतलब आपने कहीं से क्लासेस नहीं करी है? लेकिन मैंने मेंस मेंटरशिप में मैंने 2 महीने में 35-36 पेपर लिखे हैं अच्छे, कम से कम मैंने 10 ऐसे के पेपर लिखे और मैं 20 ऐसे लिख के आया हूँ, उससे कुछ हेल्प हुई, बाकी सब कुछ इतना अच्छे से तैयार नहीं है, अगर करा जाए तो किया जा सकता है। इससे पहले जो आपने अटेम्प्ट किया था, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो आप थोड़ा सा बताएंगे उसमें ऐसा क्या नहीं था जो इस बार आपने उसमें मेहनत करी? मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, जैसे मैंने इकोनॉमी नहीं पढ़ा था, एनवायरमेंट नहीं पढ़ा था, और एक दो चीज़ें और थी, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था और मैं थोड़ा स्लो रीडर हूँ, मैं कम चीज़ों को ज़्यादा बार पढ़ना पसंद करता हूँ, तो ऐसे चीज़ें कम थी मेरे पास, तो इस वजह से मतलब मेरा नहीं हो पाया, फिर मेरे 64 मार्क्स आए, 11 नंबर कम थे कट ऑफ से, पर इस बार मैंने अच्छे से टीचर टेस्ट भी नहीं दिए थे, और मैंने गांव में रह के तैयारी करी थी, इस बार मैंने जो चीज़ें कम थी उन पर वर्क करा, और करीब सेंटर्स पर जाके 6-7 टेस्ट दिए, तो उनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। आपका ऑप्शनल? मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, मैं गुना से हूँ, मध्य प्रदेश से, एमपी से, मैं यहाँ से काम ले रहा हूँ। फॉर द फ्यूचर फॉर दिस एग्जाम आल्सो, इसके अंदर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम तो ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, कुछ बोल नहीं देता कि अच्छा हुआ है क्या हुआ, बस ठीक हुआ जितना चांस हुआ। कौन कौन से टॉपिक्स आए थे? फिलोसफिकल ऐसे ही थे ज़्यादातर, फिलोसफिकल ऐसे। ये कौन सा है? मेरा पहला है। तो अगर मैं ये पूछूँ आप यहीं से बिलोंग करते हैं? ओके, आपका थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताएंगे, किस टॉपिक्स पर ऐसे आए थे या आपने किस टॉपिक में? बिल्कुल बिल्कुल, आप पेपर देख के बता दें। 3 घंटे लिखने के बाद मतलब माइंड लगभग, आई अंडरस्टैंड। उसमें एक ऐसे था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, ये मैंने टेस्ट के जैसे को। दूसरा जो मैंने ऐसे लिखा है उसमें, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। वो ज़्यादातर फिलोसफिकल ऐसे ही है, तो उसको अपने हिसाब से ट्राई था। ये वेरी करता है क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे तो अदर सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो मेरे लिए तो ठीक था, मतलब मॉडरेट था। ईजी नहीं बोल सकते कोई, मॉडरेट ठीक है। जैसा कि आपने देखा, एक एक स्टूडेंट से हमने बात करी है यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में, खुद आकर सामने से एक एक करके सबने हमें जितना वो बता पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के 3 घंटे के बाद
उनका कहना है कि हम अभी बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं मैम, हम एग्ज़ाम देख के बता पाएंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स लिखे हैं, उन्होंने डिटेल्ड में हमें बताया है। आइए हम आगे और एक दो लोगों से या जितने लोगों से हमसे बात हो सकती है हम करते हैं। बताएंगे सर, एग्ज़ाम अच्छा था और क्वेश्चन भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे। आप बताएंगे किस किस तरह के टॉपिक्स एग्ज़ाम में? जो अपन सुनने में आता है कि इथिकल टॉपिक्स काफ़ी आते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल बेस नहीं आते, किसी भी अच्छे या फिर अच्छी पर्सनैलिटी का एक कोटेशन आ जाता है और उसी बेस पे आया है। जैसे कुछ कोटेशन था कि हैप्पीनेस इज़ द लाइफ वाला जो कोटेशन था, वो किसी भी कोचिंग में आ चुका है पहले भी और वो एग्ज़ाम में रिपीटेशन देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ आपने किस टॉपिक पे लिखा है तो? हाँ, मैंने लिखा था कि सोशल मीडिया का एक टॉपिक था कि हाउ द सोशल मीडिया इज इम्पेक्टिंग एंड क्रिएटिंग द मिस आउट फियर अमंग द यूथ एंड क्रिएटिंग द डिप्रेशन एंड लोनलीनेस अमंग द यूथ। ओके, ये आपका कौन सा? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। इससे पहले आपने इंटरव्यू भी दिया है कोई? सिविल सर्विस वाला इंटरव्यू नहीं दिया है। तो आप थोड़ा सा मुझे ये डिटेल में बता पाएंगे, जैसे आपने बताया फोर्थ आ रहा है, तो इससे पहले ऐसा क्या छूटा था जो इस बार आपने पूरा मेहनत किया और एग्जाम? उसके पहले मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में मैं एक ही बार फिल्म से गल पाया हूँ और उस एक बार जो मैंने मेंस लिखा है उसमें मेरी कई सारी कमजोरियाँ थी, जैसे मुझे टाइम कम मिला था और COVID-19 का जो टाइम था उससे मुझे टाइम कम मिला था, तो वो वाली कमी रही। तो अब की बार आपने पूरी मेहनत से लगन से एग्ज़ाम दिया है, राइट? हाँ, मेरी तरफ से तो मैंने पूरी मदद की है, बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या था। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। आप बताएंगे आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आप दिल्ली से हैं? मैं बाहर से हूँ। नहीं मैम, अभी करंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रीलिम्स अगर वहाँ दिया था ना एमपी में, इसलिए मेरा सेंटर यूपीएससी बोर्ड। आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किसी लाइक कोचिंग क्लासेस ले रही हैं? नहीं मैम, मैंने प्रिपरेशन मैंने खुद से की है, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स होती है, मेरी प्रिपरेशन मैंने COVID-19 के टाइम पर स्टार्ट की थी ना, तो ऐसे कोचिंग वगैरह अवेलेबल थी नहीं फिजिकली, तो मैंने सारी जो बुक्स खरीद के खुद से प्रिपेयर किया था। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जैसे कि आपने बताया तो एग्ज़ाम इजी था या टफ था या पहले से आसान था? मैम, जैसे कुछ बच्चों को कंफर्टेबल लगता है कि हम किसी कोटेशन पे लिखे हैं या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जांपल को यूज़ करें, और मे भी मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी भी एग्जांपल को कई सारी फील्ड्स में अपन एग्जाम्पल डाल सकते हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा था, लेकिन कई सारे को बच्चों को होता है ना कि कन्वेंशनल बेस्ड जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर आया तो वही लिखना बेटर लगता है उनको, तो शायद वो कह सकते हैं कि थोड़ा पेपर डिफिकल्ट था। आपका ऐसा कहना है कि थोड़ा टफ था, राइट? नहीं मैम, मेरे कहना है कि पेपर थोड़ा सिंपल था, लेकिन जो कन्वेंशनल बेस्ड लिखते हैं ना ऐसे, वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा, एक एक स्टूडेंट से हमने डिटेल में पूछा है कि एग्ज़ाम कैसा था, कैसा एग्ज़ाम हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं वो, उन्होंने डिटेल में बताया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सब लोग अभी इतने उसमें हैं कि मैं कैसे बताऊं क्या क्या एग्ज़ाम टॉपिक्स आए हैं। कुछ लोगों ने हमें एग्ज़ाम में देख करके बताया एग्जैक्टली वो किस टॉपिक पर लिख कर आए हैं। बहुत अभी प्रेशर में अगर मैं बात करूं तो, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम और लोगों से और स्टूडेंट से बात करें। थोड़ा सा बताएंगे आप किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आए थे? कौन सा टाइप? दिल्ली से? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, तो आप डायरेक्टली वहीं से आए हैं? नहीं नहीं, यहाँ मतलब मेंस प्रैक्टिस के लिए आया था और सेंटर यहीं है। तो आप कितने टाइम से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप खुद से ही कर रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कैसे? सेल्फ और यूट्यूब से। कितने, आप थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, कितने घंटे लगते हैं डेली पर्पज़ पर अगर मैं बात करूँ? डेली अगर एग्ज़ाम नहीं है तो 6-7 घंटे स्टडी में देते हैं, राइट? क्लास, आप क्लासेस भी ले रहे हैं कोई या बुक से पढ़ रहे हैं? मतलब सेल्फ ही था मैं और यूट्यूब से।
आप पिछली बार नहीं उतना कर पाए थे मेहनत? पिछली बार मेरा प्री ही नहीं हुआ था, पिछले बार 2023 का एग्जाम थोड़ा अलग आ गया और सी सेट थोड़ा ज़्यादा टफ था, सी सेट फिर उसको। अभी किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन थी और कैसा एग्जाम था, इजी था या टफ था? आज तो इसी का था तो ठीक था, मतलब ऐसे ही आता है। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम आसान था या थोड़ा टफ था आपके अकॉर्डिंग? पिछले से थोड़ा सा था। आपने किस किस टॉपिक में लिखा? एक एनवायरनमेंट पे एक टॉपिक है और एक चरित्र पे जो आया था। थैंक यू, थैंक्स फॉर द फ्यूचर फॉर दिस एग्जाम आल्सो। मैं सुगंधा जीनो आईएएस टीम से, आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि किस तरह का एग्जाम आया, क्या क्या टॉपिक्स थे, आपने किस पे लिखा? ऐसे मेरे हिसाब से काफ़ी फिलोसफिकल टॉपिक्स थे, एक दो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स भी थे, बट मुझे फिलोसफिकल में और टॉपिक्स में ज़्यादा कंफर्ट था तो मैंने वो अटेम्प्ट किए। तो मैंने सेक्शन बी में एक था कि कैरेक्टर, इफ़ यू हैव टू टेस्ट कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन गिव देम पावर, तो इसका मेरे को फेयर आइडिया था, मैं पहले भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक पे ऐसे लिख चुका था, तो आई फेल्ट मोर कम्फर्टेबल इन इट, तो मैंने वो चूज़ किया। सेक्शन ए से मैंने टॉपिक था कि एम्पायर ऑफ फ्यूचर विल बी क्रिएटेड बाय एम्पायर ऑफ माइंड्स, तो मेरे को उस टॉपिक पे मैंने लिखा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था अगर मैं बात? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट इन फर्स्ट मेंस है। पिछली बार जो आपने एग्जाम दिया था राइट, ये सेकंड है, तो ऐसा बताएंगे लाइक क्या छूटा था जो आप इस बार पूरा करके मेहनत करके आए? नहीं मैम, पिछली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो मैं मेंस लिख ही नहीं पाया था, तो इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, इस बार मेरा ये फर्स्ट मेंस है। ओके, आपका ऑप्शनल अगर मैं बात करूं? मैम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है, आप यहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं? नहीं मैम, मैं एक आउट स्टेशन स्टूडेंट हूं। बताएंगे आप? मैं ग्वालियर एमपी से बिलोंग करता हूं। आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं या डायरेक्टली वहीं से आए हैं? दिल्ली में मैं रेजिडेंस बुक किया है होटल में, तो मैं वहीं से आया हूँ। Okay. आप कितने टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर मैं? जी मैम, मेरे को रफली अभी 1.5 ईयर्स हुआ है, मैंने 2023 में सितंबर या अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट किया था, तो अभी मेरे को करीब 1.5 ईयर्स हो गया है। मुझे ये बताएंगे एग्ज़ाम जो था ईजी था या टफ था? दी ईजी टफ तो नहीं, बट इट्स ऑल अप टू कि आप कैसे अपने आपने जो इंटरप्रेट किया है वो चेकर को कितना अच्छे से कन्वे हो रहा है, और ऐसे एक ऐसे ही काफ़ी सब्जेक्टिव पेपर है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन इट, तो द थिंग इज कि इट्स अप टू द चेकर, इट्स नाउ इनटू द बॉल गेम ऑफ चेकर। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने लिख दिया जो मुझे बेस्ट लगा, बट द थिंग इज कि अगर वो उससे कितना समझ पा रहा है आपका चेकर, सो आई फील कि आई हैव डन माय जॉब प्रीटी गुड इनफ, बट नाउ लेट्स सी। इट्स ऑल एक होता है ना, जैसे आपने एग्जाम देखा किस किस तरह के टॉपिक्स आए हुए, किस तरह के टॉपिक्स एग्जाम में आए हुए थे? टॉपिक्स मैम काफ़ी वेरीड थे, फिलोसफिकल टॉपिक्स भी थे, फॉरेस्ट के ऊपर भी एक टॉपिक था, तो टॉपिक्स तो वही चूज़ करने चाहिए जो आपके काफ़ी कंफर्ट में हो, जिस पे आप लिखने को देख सकें अच्छे से, नॉट जस्ट कि ये कि काफ़ी रेयर टॉपिक है तो मैं इस पे अच्छा लिख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी लूज मार्क्स लूज करने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इंस्टेड वो टॉपिक्स लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल हो ताकि आपके मार्क्स लूज ना करें आप उतने। आपने जो स्टडी करी है वो सेल्फ स्टडी? मैम मैंने सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन मैंने मॉड्यूल कोर्सेज लिए थे, जैसे मैंने एसए में एक जगह मॉड्यूल कोर्स लिया था, तो मैंने मॉड्यूल कोर्सेज का यूज़ किया, एज सच मैंने फाउंडेशन कोर्स कुछ नहीं लिया। सेल्फ स्टडी अगर मैं बात करूँ तो खुद से कितना आपने उसमें दिया है? मैम मतलब बाय देना आप मीन्स लाइक आर्ट्स? हाँ मैम रफली मैंने अराउंड एट, मैं बहुत ज़्यादा आर्ट्स में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैंने रफली अराउंड 8-8.5 आवर्स पर डे का मैं टारगेट लेके चलता हूँ, और बाय अभी मेंस के लिए आई एक्सटेंडेड इट बाय 1 आवर। आपका अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ? मैम मैथमेटिक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर द दिस एग्जाम आल्सो एंड फ्यूचर आल्सो। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस किस तरह के टॉपिक्स आए थे? टॉपिक्स का पैटर्न तो मोस्टली फिलोसॉफिकल पे सेट हो गया है, लाइक तो सेक्शन 1 वाज कंप्लीटली फिलोसॉफिकल, सेक्शन 2 में एक टॉपिक था व्हिच वाज लाइक सोशल मीडिया, इट वाज टेक्निकल टॉपिक, मोर और लेस फिलोसॉफिकल से बात थी एंड वी प्रिपेयर फॉर देम ओनली लाइक। मैं आपसे पूछूं कौन सा था? मेरे ख्याल से प्रीलिम्स इज लाइक 50% नॉलेज, 50% एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन 2 आवर्स, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनकी तैयारी मुझसे बहुत बेटर थी, but they were able to score less marks because they panicked in the examination hall and they were not like able to implement their knowledge in the examination. So I think tests was one thing isne like it created a very big, my marks were more than doubled, like last it was 50, this was here was more than 100 marks.
आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ हाँ रिविजन इज ऑल्सो फैक्टर बट आई थिंक मोर देन रिविजन गिविंग प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट सिमिलेटेड इन द क्लास रूम तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है इस चीज़ से. टाइम से आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? 2022 जून से मैं कर रहा हूँ. तो ये बताएंगे कि सोशियोलॉजी है. आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? नो मैम, मैं ग्वालियर से. दिया पास में शहर है, ग्वालियर के पास. वहीं से आए हैं एग्जाम देने? पर्पस एग्जाम चल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए. यस. सेल्फ स्टडी करते हैं या आप किस तरह? सेल्फ स्टडी लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल ही होते तो हम सब लोग यहाँ पे आ गए थे. अब बहुत अलग है कि ऑल ऑफ देम लेफ्ट बट अकेला बच्चा होगा यहाँ पे. अगर मैं आपसे पूछूँ लाइक एग्जाम में इजी था टफ था? आई फेल्ट इट वाज अ बिट इजीियर देन लास्ट ईयर बट लाइक इट माइट बी सब्जेक्टिव बिकॉज एसे इज ऑल अबाउट कि आपको कितना आता है, आप टॉपिक्स आपने कितना प्रिपेयर किया. आई हैड डिसेंट प्रिपरेशन फॉर एसे एंड लाइक द टॉपिक्स द स्टोरीज एग्जांपल्स मुझे लगा कि मेरे जोन में थे तो मुझे इजी लग रहा है. बट हाँ देयर माइट बी समवन हु माइट से इट वाज टफ बिकॉज अगर उनके जोन से नहीं आया. मैं आपसे ये पूछती हूँ यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए कितने आवर्स एक दिन में आपको पढ़ना चाहिए या पढ़ते हैं? लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है. सम पीपल स्टडी 12-15 आवर्स, सम पीपल स्टडी 6 आवर्स. लाइक दिस ईयर वन टॉपर वाज द एनिमेशन टाइम. ही लाइक क्वालिफाइड द एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट विद अ जॉब. लाइक इफ यू हैव ग्रेस्पिंग पावर इफ यू कैन गिव अ डेडिकेटेड टाइम so I think 8 hours is more than enough but that time should be constant like it should be stepping stone each day ahead it should not be like irregular strategy usme fir sab kuch kharab ho jata hai. I understand. So best of luck for this exam for future also. Thank you. Main Sugandha Gino IAS team se ek ek karke hum sabhi students se बात करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि वो डिटेल में हमें बता रहे हैं किस किस तरह का एग्ज़ाम था, कैसा हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. तो आइए हम और लोगों से और स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं. किस तरह के टॉपिक्स आए, एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम वाज गुड. इजी था या टफ? इजी रहता है एक्चुअली, बस डिपेंड करता है किस तरीके से लिख पा रहे हो. टॉपिक्स तो सारे रेलेवेंट ही रहते हैं. इवन कोई लेमैन भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा क्या है. बट अगर मैं आपसे पूछूँ आपने किस किस टॉपिक्स पे जो है ऐसे लिखा? फर्स्ट पेपर मैंने हैप्पीनेस पे लिखा, सेकंड पेपर पर सोशल मीडिया. ओके. आपका ऑप्शनल अगर मैं बात करूँ तो क्या है? एंथ्रोपोलॉजी. ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस. सेकंड मेंस है. सो लास्ट टाइम ऐसा क्या रह गया था लाइक आप जो पूरा प्रिपरेशन के साथ अभी आए हैं आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें एग्ज़ाम में इजी है या? लास्ट टाइम से आई थिंक इस बार मैंने ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चरिंग कर पाई. ऊपर से लास्ट टाइम पहला अटेम्प्ट था तो आइडिया नहीं रहता. पहले एक बार मेंस दे दिया होता है तो आइडिया रहता है कि हाउ यू गोना राइट एंड ऑल दैट. तो टाइम मैनेजमेंट और कोर्स मैंने ज़्यादा याद किया, एग्जाम्पल ज़्यादा याद किए. Thank you, thanks for the future ma'am for this exam also.